सिख जथेबंदियों के वालों बरगाड़ी बेअदबी का इंसाफ मंगया जा रहा है, पर हले तक इंसाफ मिलता हुआ किधरे भी दिखाई नहीं दे रहा। अजिहे दे विच एक कीर्तन समागम दे विच पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा पहुंचे, जिथे भाई बलदेव सिंह वडाला दे वालों कीर्तन सरवण करवाया जा रहा है। उन्होंने चलते कीर्तन के विच ही पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा नूं सरकार वालों किए वादे याद करवाए गए, तो उन्हां दी हालत वेखण वाली सी। इस नाल ही उन्हां 328 पावन सरूप अते जथेदार भाई गुरदेव सिंह कोंके दा मामला भी संधवा नूं याद करवाया। मेरे भरा ने इन्हां नूं ये भी बेनती करांगा कि जिथे जीव आया आखदा संधवा साहब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दोषी जरूर फड़े। चार साल हो गए सानू तंबू ला के बैठिया नूं, साडे बजुर्ग अमरपाल सिंह फरीदकोट तो, भाई सुखदेव सिंह ताबिया बैठे है फिरोजपुर तो, ये जत्थे लैके उत्थे जांदे आ इन्नी ठंड च, करोने च भी असीं बैठे रहे, ते जे सानू सरकार ने ही नहीं पुछना ते फिर पुछू कौन? फर्ज बनता है तुहाडा। ये भी बेनती करता है धोखा दिना है भाई कौके खो के शहीद किया, उन्होंने दोषियों की जांच करवा के ढंग दियो फड़ पड़े तुहानू पंजाब याद कर। 10 साल हो गए मैं ते कीर्तन करन तो इना कीती सी, मैं नहीं करता ढंग तो जिते ढंगना। अज पंथ कह रहे है तुसी सही कीता सी, आदा नारा मारिया शेर मुहम्मद खां मुसलमान है, वो कह रहे है कि जे बदला लेना है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब तो लवांगा साहिबजादिया तो क्यों? अज शेर मुहम्मद खां मलेरकोटले च कोई मुसलमान मरदा है चढ़ाई कर जाता है ते सिख मुसलमाना नाल दुख सांझा करन जांदे है, आदा नारा मारिया। यह भी एक तुहाडे वास्ते हा दा नारा है, क्योंकि मनुखी अधिकारां दा घाण होया, बेगुनाह लोक चक चक के मारे गए, ओ इंसाफ दी आस सरकार तो प्रशासन तो अदालतां तो लैंड ऑर्डर तो कीती जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि सारी वीर की तरह के झिझकते हो, पर असी ओ मित्र मुंह ते कुछ कहण वाले पिठ पिछे नाल खड़न वाले ये नहीं, मुंह ते खुशामद करदे हो ते पिठ पिछे बुराई करदे हो, ओ काम साजे को नहीं। महीने च एक दिन सानू भी देशड़ो सुखमनी साहिब दा पाठ उत्थे बह के करदे आ, हुण संधवा साहिब होण वेखण कि किन्नी कु सानू ठंड होर सुखाउणी उत्थे। ये 4 साल हो गए बैठिया नूं, सुप्रीम कोर्ट भी कहिंदा दोषी फड़ो, पड़ताल भी कहिंदी दोषी फड़ो।